दोस्तों इस साल दिवाली पर हाउसफुल 4 रिलीज होने वाली है। हाउसफुल 3 खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि 100 करोड़ क्लब में फिल्म की एंट्री हुई थी, लेकिन जो फिल्म का बजट था, जितने बड़े सितारे थे, वैसी चमकदार सफलता फिल्म को नहीं मिली थी। बावजूद इसके सीरीज की 14वीं फिल्म यह सोचकर बनाई गई है कि दर्शक इस सीरीज की फिल्म को इसके पागलपन को पसंद करते हैं। टीवी पर हाउसफुल सीरीज की फिल्में लगातार दिखाई जाती रही है और टीआरपी अच्छी खासी रहती है। इस बार दिवाली का साथ भी फिल्म को मिल गया है। बड़ा त्यौहार होने के कारण दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म को 25% अधिक कमाई हो जाती है। हाउसफुल 4 के पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं। अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख के साथ साथ हीरोइनों के भी सिंगल पोस्टर्स सामने आए, जिसमें उनके दो लुक देखने को मिले। एक तो ताजा लुक और एक 1619 का, यानी कि 1419 का। हर किरदार का डबल रोल है और इसके सहारे कॉमेडी पैदा करने की कोशिश की गई है। हाउसफुल 4 के पहले के निर्देशक साजिद खान ऐसा हमसगल नामक फिल्म में कर चुके हैं। मीटू के चलते साजिद खान को यह फिल्म छोड़नी पड़ी थी और बाद में साजिद फरहाद ने उनकी कुर्सी संभाल ली। फिल्म के पोस्टर्स खास प्रभावित नहीं कर पाए। ऐसा लगा कि केवल लुक्स के सहारे और डबल रोल के जरिए हास्य पैदा करने की कोशिश की गई है। हाउसफुल 4 के पोस्टर्स को लेकर जो क्रेज था वो नज़र नहीं आया। अब फिल्म का ट्रेलर सामने आ रहा है। पोस्टर से जो बात नहीं बन पाई, उम्मीद है कि ट्रेलर से बन जाए। वैसे आपको हाउसफुल 4 के पोस्टर्स कैसे लगे, अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।